2020 ये एग्जाम हमारा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। अब ये नवंबर में एग्जाम होने वाला है, लेकिन इसका अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरी थी तो, और या फिर आपकी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो फिर से एनटीए ने जो है इस पोर्टल को ओपन किया है, और अब आप 22 अगस्त से 10 सितंबर तक फिर से दोबारा जाके या तो आपकी इनकम्प्लीट फाइल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अपना फॉर्म सबमिट वहाँ पे कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन आप कैसे उसको भर सकते हैं। हम सभी के पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है, तो अभी हम अपना नेट का फॉर्म घर बैठ के ही भरेंगे, हमें साइबर कैफे या फिर कहीं भी कोरोना में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आप अपने पास ये चीज़ें रख लीजिए। पहली बात तो आपके पास मोबाइल या लैपटॉप तो होगा ही, उसके अलावा आप पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपने पास रख लीजिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आप अपना सिग्नेचर या फिर किसी का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो उसका सिग्नेचर आपको चाहिएगा। आईडी के अंदर आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड जो है वो इसमें आईडी में आएगा। उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन की तो सर्टिफिकेट चाहिए ही, लेकिन अगर आप पीजी में हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो उसमें तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने पास आउट कर ली है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको अपने फ़ोन में अब जो जो स्टेप आपको करने हैं वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले अब मैं अपने फ़ोन के ब्राउज़र में गई, यानी कि मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है, मैंने वो ओपन किया है। इसके साइड में देखोगे, राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करना, वहाँ डेस्कटॉप साइट है, वहाँ पर क्लिक करना, डेस्कटॉप मोड ओपन। अब क्या करना है, हमें टाइप करना है सर्च बॉक्स में cisirnet.nta.nic.in। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे, आप जो है उसके ऊपर क्लिक करते ही आप जो है होम पेज पर पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट के। इसी पेज पर आपको सिलेबस और नोटिस मिल जाएगा, और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको जैसे ही आप नीचे आएंगे रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म जॉइंट CSIR UGC नेट 2020, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन का। साइन इन पे आपको तब क्लिक करना है जब आपकी इनकम्प्लीट प्रोफाइल हो, अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी, जैसे कि फीस, ये हो गई, और फोटो का रिसाइज, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और या फिर ऑफलाइन ऐप से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिक्सआर्ट ऐप से किया। वहाँ से प्रोसीड करने के बाद अब आपको डिटेल देनी होगी, जैसे कि नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी। आईडी में आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको आईडी का नंबर, पैन कार्ड नंबर देना होगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा और सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होगा। पासवर्ड में इस टाइप का कुछ होना चाहिए, यानी कि उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए। वहाँ से सबमिट करने के बाद अब आपको दोबारा से अपनी सारी डिटेल रिव्यू कर लेनी है, वन बाय वन बॉक्स में टिक करते जाना, और फिर जो है आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जिसकी नोटिफिकेशन आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर है उसे आप लिख लीजिए और क्लिक करिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। अब आपको और डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, आपको चूज करना है कि आप GRF के लिए फॉर्म भर रहे हैं या लेक्चरशिप के लिए। उसमें आप अपने स्पेशलाइजेशन यानी कोई बुक, जैसे कि मैंने प्योर मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। उसके अलावा आप अपने एग्जाम सेंटर को चूज कर लेना। इसी पर अब आपको UG और PG की एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ट है तो पास्ट भर दीजिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी हैं तो रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर दीजिए, सिक्योरिटी पिन एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब अपनी पूरी डिटेल अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए फाइनल सबमिट पे। अपनी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्लिक कीजिए अपलोड इमेज पे और अपनी इमेज को अपलोड कीजिए।
नेक्स्ट पेज पर अब आप अपना फोटो और साइन अपलोड करें, और उसके बाद अगर आपके पास रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे स्किप कर दें और क्लिक करें अपलोड पर। अब आपकी सारी डिटेल और फोटोज वगैरह सब अपलोड हो चुकी हैं, अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अब आप पेमेंट करने के लिए इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास SBI का कार्ड नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, हर कार्ड हर बैंक का एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर आप अगर ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आप UPI के थ्रू पे कर सकते हैं, और अपना कंफर्मेशन पेज उसके पास डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, आप वहाँ से अपनी ID को लॉग आउट कर दें। अगर कहीं भी पूरे प्रोसेस में दिक्कत आती है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।